Good morning, good afternoon, good evening. How are you all? I hope you are the well. I'm also well. And आज हम बात करने वाले हैं पैसिव वॉइस पे कि हम पैसिव वॉइस यूज कैसे करते हैं, इसको स्पोकन में कैसे यूज करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर देखे हैं, वो बहुत अच्छे इंग्लिश बोलते हैं और वो एक्टिव वॉइस बहुत आसानी से यूज कर लेते हैं जब बात आती है पैसिव वॉइस की, तो कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पर मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी है, पहले आप उसे सुनेंगे तभी आप पैसिव वॉइस की वैल्यू जानेंगे, राइट? एक दिन मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और मैंने पूछा, और भाई क्या कर रहे हो? तो उसने बोला, कुछ नहीं यार, अभी घर पे ना, कुछ नहीं, बस काम हो रहा है यार। तो मैंने पूछा, क्या काम हो रहा है? यार वो ना एसी ठीक हो रहा है। तो उसने वो बात को इंग्लिश में बोला, राइट? तो जब उसने इंग्लिश में बोला तो आप भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे उसने क्या बोला होगा, राइट? उसने बोला, एन ए सी इज रिपेयरिंग। तो मैंने बोला, एसी यार एसी ठीक कर रहा है या एसी ठीक हो रहा है? तो मैंने सोचा चलो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर उसने मुझे बताया यार कि 2 महीने पहले यार इंडिया का मैच था, राइट? और एक फ्रेंड ने मुझे इंग्लिश में कुछ बोला यार, मुझे समझ में नहीं आया। उसने बोला था, इंडिया वॉज डिफीटेड। तो यार मुझे लग रहा है यार इंडिया जीत गया यार, बट उसको क्या पता था कि यहाँ पे मतलब हो गया इंडिया हार गया। तो ऐसे पैसिव वॉइस के बहुत सारे मतलब होते हैं, राइट, जो आपको समझने होंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, बट इसके कई सारे चैप्टर हैं और एक दिन में ये खत्म नहीं होगा। तो आई होप आप मेरी वीडियो को टिल द एंड देखें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें, और डेफिनेटली अगर आप कमेंट्स में और भी क्लासेस चाहते हैं तो आप लिख के उनको भेजें, जिससे मैं आपको वो क्लासें भी टीच कर सकूं। उससे पहले हम टॉपिक पे चलते हैं, पैसिव वॉइस, राइट? पैसिव वॉइस को मैं आपको समझाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस होते क्या हैं। एक्टिव वॉइस वो होते हैं जो आप 99% स्पीकिंग में यूज करते हैं, राइट? मैं जाता हूँ, आई गो, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, आई स्पीक, यानी हम उसमें इंक्लूड होते हैं, खुद ही काम करते हैं, ऐसे वर्ब को हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं, राइट? पैसिव वॉइस वो होते हैं जिनमें काम होता है लेकिन हमें सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, ना डूअर दिखाई देता, बट ओनली काम होता है। तो आज हम आपको वो पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे जो स्पोकन के पैसिव वॉइस यानी स्पोकन में यूज होते हैं। जैसे सिंपल हम बोलते हैं खाना बनता है, अब इसमें बनने वाला कोई है ही नहीं है, चाय पी जाती है, पता नहीं पीने वाला कौन है, मैच खेला जाता है, पता नहीं कौन है। तो ऐसे ही इंग्लिश को हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। तो आज मैं आपको वो पैसे नहीं पढ़ाऊंगा जो आप किताबों में पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, अ लेटर इज रिटन बाय मोहन, अ सॉन्ग इज संग बाय गीता, इसको एक्ट में बदलो, पैसे में बदलो, वो तो बस सिंपल आपको किताब में बता दिया जाएगा। बट मैं आपको जो पैसे बता रहा हूँ मॉडिफाई करके बता रहा हूँ कि हम स्पोकन का पैसे वॉइस कैसे यूज करते हैं, क्योंकि स्पोकन का जो पैसे वॉइस होता है उसमें बाय नहीं लगता है, बिना बाय के जाता यूज होता है, सिंपली डिसीजन लिया जाता है, गाना गाया जाता है, चाय पी जाती है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, चाय पी जाती है, ऐसे सेंटेंस को आप कितनी भी कोशिश कर लो एक्टिव वॉइस में नहीं बदल सकते। तो चलते हैं, अब हम स्टडी करते हैं, मेरे पास कुछ मटेरियल है, जस्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखो माय डियर, अब हम इस टॉपिक पे पहुंच गए हैं, आज हम बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है जब कोई काम किया जाता है। अगर हम बात करें एक्टिव में, तो एक्टिव में भी हम नॉर्मल वर्क करते हैं, जैसे मैं खाता हूँ, आई टेक, आई ईट, मैं सोता हूँ, आई स्लीप, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। तो ये हमारे एक्टिव वॉइस होते हैं। एक्टिव वॉइस में जो भी काम होता है वो 100% हम ही करते हैं, जो हम उसमें इंक्लूड भी होते हैं और स्वयं करते हैं। बट जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हम कोई भी काम करते नहीं है, ऑटोमेटिक वो किसी से होता है बट उसमें वो हिडन होता है। तो इसलिए आज हम जो पैसिव वॉइस की बात करेंगे, आज हम बात करेंगे पैसिव वॉइस, वो पैसिव वॉइस जो स्पोकन में यूज होते हैं, राइट? आपने नॉर्मली किताबों में देखा होगा लिखा रहता है, अ लेटर इज रिटन बाय मोहन एंड मोहन राइट्स अ लेटर, ऐसे सेंटेंस लिखे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैसिव वॉइस में आप यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस की कुछ टिप्स हैं, वो आप जान लेंगे। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि सबसे पहले अदर वर्ड आता है, क्या आता है? अदर वर्ड, फिर टाइम वर्ड, फिर एक्शन, फिर थर्ड फॉर्म। जो थर्ड फॉर्म होगी वो 100% आएगी, यानी कि जब भी आप किसी पैसिव वॉइस को अगर पहचानना चाहते हैं तो उसमें 100% थर्ड फॉर्म होती है। ये जान लीजिए, आप जब भी किसी सेंटेंस में इज, एम, आर के साथ अगर थर्ड फॉर्म लगी है तो समझ लो पैसिव वॉइस है। तो एक छोटा सा तरीका है जिससे हम पैसिव वॉइस के बारे में जान सकते हैं, राइट?
और हमारे मन में बहुत सारे सवाल भी होते हैं, सर हमने तो अभी तक एएसएमआर के साथ आईएनजी देखा है, हमने एएसएमआर के साथ नो एक्शन देखा है, बट ये कैसी क्लास है जिसमें एएसएमआर के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, और ना इसमें कोई सब्जेक्ट दिख रहा है ना इसमें कोई डूअर दिख रहा है। तो ऐसी इंग्लिश को हम बोलते हैं स्पोकन पैसिव वॉइस। क्या बोलते हैं? स्पोकन पैसिव वॉइस। तो आज मैं आपको वो पैसिव वॉइस सिखाने जा रहा हूँ जो किताबों में जरूर होते हैं, बट किताब का एक अलग थ्योरी होती है, बट आज मैं आपको अपने वे में बताऊंगा। इसको मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है कि इसे हम प्रॉपर स्पोकन में कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कुछ लोग बोलते हैं मैं खाना खाता हूँ, आई टेक फूड, राइट। बट कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं फूड इज टेकन बाय मी, अ न्यूज़पेपर इज रेड बाय माय फादर, और कुछ लोग बोलते हैं माय फादर रीड्स अ न्यूज़पेपर। तो मेरा एक क्वेश्चन है उनसे, जब ऑलरेडी हमें कोई चीज एक्टिव में मिल रही है तो हम इसे पैसे में क्यों बनाएंगे? तो आज हमारा यही मैटर है, यही आज हमारा टॉपिक है कि जब कोई चीज हमें अगर एक्टिव वॉइस में मिल जाती है तो हम इसे पैसिव वॉइस क्यों बनाए। तो आज हम आपको वो इंग्लिश सिखाएंगे जो एक्टिव वॉइस में बनेगी नहीं, आप कितनी भी कोशिश करेंगे बट वो सेंटेंस कभी भी एक्टिव में नहीं बनेगा। तो आज मैं आपको वो पैसिव वॉइस सिखाने जा रहा हूं जिनको आप ओनली पैसिव वॉइस में ही यूज करेंगे, एक्टिव वॉइस में नहीं बनेंगे। अगर आप ऐसे बोलते हो अ कार इज ड्रिवन बाय माई फादर, तो आप डायरेक्ट बोल दो माई फादर ड्राइव्स अ कार। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है कि आप वो पैसे भी यूज ना करें जो एक्टिव में बन जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज को हम इस तरह से बोलना चाहिए सामने वाले को समझ में आए। तो हम आपको वो पैसे वॉइस सिखाएंगे जो किसी के थ्रू नहीं बोले जाते हैं, वो अपने आप में ही पैसे वॉइस होते हैं जिनको आप एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ मैंने एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पे लिखे हैं, उनको आप देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पैसे वॉइस यानी जब कोई काम किया जाता है, अगर आप चाहें तो इसका भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, जब कोई काम किया जाता है। अगर आप जब का मीनिंग देखेंगे तो वैन होता है WHEN, और वैन का मतलब कब भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है किसी भी डबल एच फैमिली अगर क्वेश्चन वर्ड है, अगर वो सबसे पहले एज एक आंसर में आता है तो वो जब का काम करता है, और जब वो एज ए क्वेश्चन बन के आता है तो कब का काम करता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा वैन एनी वर्क इज डन, तो हम क्या बोलेंगे वैन एनी वर्क इज डन यानी जब कोई काम किया जाता है। एंड पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम अदर वर्ड का यूज करते हैं, फिर टाइम वर्ड, फिर एक्शन, फिर थर्ड फॉर्म। अगर हम वहीं पे आप एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो पहले हमारा डूअर आता है, फिर टाइम वर्ड, फिर एक्शन, फिर वट एवर जो भी है लास्ट में। तो सबसे पहले आप पैसिव की पहचान जानेंगे। सबसे पहले पैसिव को बनाने के लिए मैं पहले अदर वर्ड, फिर टाइम वर्ड, फिर एक्शन, फिर थर्ड फॉर्म। अभी हम जब आपको पैसिव वॉइस सिखा रहे हैं वो अदर वर्ड के साथ सिखा रहे हैं जिसमें बिल्कुल डूअर नहीं है, और जो पैसिव आप कितनी भी कोशिश करेंगे एक्टिव में नहीं बनेगा। तो हमने कुछ एग्जाम्पल दिए, आ बुक इज रेड, आ बुक इज रेड यानी किताब पढ़ी जाती है, आ पेन इज यूज्ड, पेन को यूज किया जाता है, आ पेन इज यूज्ड। फिर है फूड इज टेकन यानी खाना खाया जाता है, अ कार इज ड्रवन कार को चलाया जाता है, वाटर इज टेकन पानी पिया जाता है, मनी इज स्पेंट पैसे खर्च किए जाते हैं, अ डोर इज ओपन्ड दरवाजा खोला जाता है। इसके बाद हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे, नीचे हमारा है इंग्लिश इज टॉट इंग्लिश को पढ़ाया जाता है, टी इज टेकन चाय पी जाती है, क्लोथ्स आर वॉश्ड कपड़ों को धोया जाता है। तो मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया कि हम पैसिव वॉइस का यूज कैसे करते हैं, राइट। अगर यहीं पे आप इसे अगर मना करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं अ बुक इज नॉट यानी जो भी हमारे टाइम वर्ड है उनके आगे अगर आप नॉट लगा देंगे, जैसे सपोज इज है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं अ बुक इज नॉट रेड यानी किताब नहीं पढ़ी जाती है, आ पेन इज नॉट यूज्ड पेन को यूज नहीं किया जाता। अगर आप चाहें तो इसके आगे नॉट का भी यूज कर सकते हैं, NOT क्या लगा सकते हैं, NOT यानी नॉट भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी आप इसके आगे नॉट लगा सकते हैं NOT। अगर आप इसके आगे नॉट लगाएंगे, सपोज यहाँ पे भी आप लगा दीजिए, यहाँ पे भी लगा दीजिए, तो ये निगेटिव बन जाएंगे यानी नहीं में आंसर होंगे। अगर आप इन्हीं को क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, जो आपका ये बुक है, पेन है, फूड है, इनके आगे आपको टाइम वर्ड रखना होगा। क्या रखना होगा, टाइम वर्ड, राइट। जैसे आप बोल सकते हैं इसके आगे अगर आप रख दें इज फूड टेकन, इज फूड टेकन क्या खाना खाया जाता है, राइट। तो आप अगर अदर वर्ड के पहले अगर टाइम वर्ड रख देंगे तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, और अगर आप टाइम वर्ड के बाद यानी इज है एंड आर इनके आगे अगर आप नॉट लगा देंगे तो आप इनको यूज कर सकते हैं, राइट। तो कुछ मैं सेंटेंस बोलूंगा, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, राइट। चाय पी जाती है, टी इज टेकन, राइट। एंड मोबाइल ठीक किया जाता है, अ मोबाइल इज रिपेयर्ड,
मोबाइल इज रिपेयर्ड। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी इज आर एम के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो आपको सोच लेना है कि पैसिव वॉइस है, राइट। पैसे खर्च किए जाते हैं, मनी इज स्पेंट। घर को पेंट किया जाता है, आ हाउस इज पेंटेड, राइट। एंड जूते पॉलिश किए जाते हैं, शूज आर पॉलिश्ड। पैसे चुराए जाते हैं, मनी इज स्टोलन। इसी को अगर हम क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, क्या पैसे चुराए जाते हैं, इज मनी स्टोलन। क्या खाना खाया जाता है, इज फूड टेकन। यानी आपको याद रखना है अदर वर्ड के पहले आपको टाइम वर्ड लगाना है, इज आर। जैसे आर के भी हम कुछ बना लेते हैं, आर शूज पॉलिश्ड, आर क्लोथ्स वॉश्ड। इसके बाद मैंने कुछ आपके लिए एक्सरसाइज बनाई है जिसमें आप अपने आप को चेक करेंगे कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो कुछ वर्ड हैं, आप उनको लिख लेंगे, मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूं लिखने के लिए। हमारा पहला सेंटेंस है, क्या चाय पी जाती है, क्या चाय पी जाती है। कपड़े धुलते हैं, गाना गाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है, क्या तुम्हें पढ़ाया जाता है, क्या तुम्हारी पिटाई लगती है, क्या मंदिर को सजाया जाता है, क्या पैसे चोरी होते हैं, क्या मुझे हराया जाता है। सो दीज आर द 10 सेंटेंसेस। ये 10 सेंटेंसेस हैं जो आपको यूज करना है। इसमें इज आर एम के साथ आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, इससे आपको पता लगेगा पैसिव वॉइस क्या है। तो आप इनके आंसर नीचे कमेंट्स में लिख के भेजेंगे, मैं फिर बताऊंगा आपको ये राइट है रॉन्ग है, तो आप अपने पैसिव को चेक भी कर सकते हैं, राइट। तो देखते हैं आप इस वीडियो को देखने के बाद आप कितना रिस्पॉन्स करेंगे। तो आप सभी से मैं चाहता हूं कि अगर आपके पैसे पहले से अच्छे हैं या आपने यहां से सीखे हैं जो भी हैं, तो आप अपने पैसे को चेक करेंगे। ये मैंने आपका पैसे का पहला पार्ट पढ़ा है, आपको ऐसे पैसे पैसे वॉइस के कई सारे चैप्टर हैं जो हम स्लोली स्लोली बताएंगे आपको। बट आज हमने जो आपको बताया वो ओनली इज आर एम के साथ बताया कि जब ओनली कोई काम किया जाता है। आज हमने इस पैसिव वॉइस को अपने आप में मॉडिफाई किया है, तो आप ट्राई करेंगे और इन 10 सेंटेंसों को बनाने की कोशिश करेंगे। फिर मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, क्या चाय पी जाती है, कपड़े धुलते हैं, गाना गाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है, क्या तुम्हें पढ़ाया जाता है, क्या तुम्हारी पिटाई लगती है, क्या मंदिर को सजाया जाता है, क्या पैसे चोरी होते हैं, क्या मुझे हराया जाता है। ओके बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ लाइक जरूर करें चैनल को एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसको लाइक करें, और नीचे कमेंट्स में आप बताएं कि आप इसमें से कितने सेंटेंस ठीक करेंगे। मैं सबके सेंटेंस चेक करूंगा, जिसके सेंटेंस 10 आउट ऑफ 10 में से 10 करेक्ट होंगे वो विनर कहलाएगा। तो देखते हैं आज विनर कौन बनता है पैसिव वॉइस में, फिर इसका दूसरा चैप्टर हम आगे लेके आएंगे। बाय, टेक केयर।